मैं एन दर्शन चैनल के माध्यम से मैं मेरे पूज्य गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कथा का प्रारंभ करती हूँ। बस यही कहूंगी मैं कौन होती हूँ कथा करने वाली, वो तो श्री हरि मेरे अधिक बोलते ना अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक चाहते हैं कि ये किन्नर महामंडलेश्वर अपने मुखारविंदों से श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण करे, तो मैं कर रही हूँ। आए हम सब मिलके श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय का प्रारायण करें। सबसे पहला भगवत गीता में श्लोक है, कौन सा श्लोक है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, है ना? देहिनो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का चैव पांडवा कीम कुरुव्रत सांजया। तात्पर्य क्या है? कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के इस मैदान में जो होने जा रहा है उसके बारे में संजय वर्णन करते हैं, है ना? संजय कहते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का चैव पांडवा कीम कुरुव्रत सांजया, है ना? धृतराष्ट्र कहते हैं ओ संजय आज मुझे बताओ कि कौरव और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली होती है क्योंकि ये दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा था कि आपको मैं ये दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, आप ये दिव्य दृष्टि लीजिए और पूरे महाभारत का युद्ध आपके आंखों के सामने दिखाई देगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे भगवन, हे वेदव्यास जी, ये दृष्टि मुझे ना देके आप मेरे सारथी संजय को दीजिए कि संजय मुझे बारंबार युद्ध स्थली में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है वो हमें बताएंगे। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार पुनः आप सोच लें कि आप ये स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये दिव्य दृष्टि मैं प्रदान करने जा रहा हूं, तो फिर वापस दे। धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि ना दीजिए, सारा जीवन निकल गया, मैं नेत्रहीन रहा, अब मैं नेत्रहीन रहकर ही सारी व्याख्या सुनना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या घट रहा है, कौन कौन इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो वेदव्यास जी महाराज ये दिव्य दृष्टि संजय को देते हैं। संजय को कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली जीव हो संजय कि आपको ये दिव्य दृष्टि मैं प्रदान करने जा रहा हूं, और इस तरह से हाथ रख और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की। जब संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की तो संजय को बहुत अंदर से उत्साहित हुए और फिर उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में जितनी घटनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई वो सब संजय ने देखा और संजय ने कहा, संजया उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का चैव पांडव किं कुरुव्रत संजया। तो संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र से कहते हैं, पहले धृतराष्ट्र कहते, धृतराष्ट्र सेड ओ संजया After my sons and son of Pandava assembled in the place of pilgrims at Kurukshetra,
ड्यूरिंग द फाइट व्हाट डिड ही डू। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय, अब कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं कौरव और पांडव, मुझे पूरा संक्षेप में अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे बताएं। तो संजय हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं अभी दिव्य दृष्टि के द्वारा जितनी भी कुरुक्षेत्र में कौन कौन भाग ले रहा है वो मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद दृष्टा तो पांडवान कीम युड़ाम दुर्योधनम तत्सदा आचार्यम उपसंगन राज्य वचनम अब्रवितः। तब संजय कहते हैं, महाराज मैं सब और देख रहा हूँ, सब और सारी अरेंजमेंट हुई है, पांडव और दुर्योधन सब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और सब तत्पर है कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने सब खड़े हो गए हैं, सब अपने अपने रथों पे विराजे हैं।